पेंजर रेंजर पेंजर भुटिया में बोलो। हेलो एवरीवन, दोस्तों फिर मेरे सर पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ थोड़ा आगे जाना चाहते हूँ भूटान इंडिया से थोड़ा बोधर में एक बाज़ार होता है, बाज़ार का नाम पूरा मालूम नहीं, फिर भी हमें इसे ढूंढ ढूंढ के आया क्या नाम है बाज़ार का नाम आप लोग को वहाँ जाके पूछ करके आप लोग को मैं दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हम ब्लॉग बनाने आए हैं, तो दोस्तों ऐसे देखते जाइए, तो आगे बढ़ते ठीक है, चलते है। तो गाइस देखते जाइए, थोड़ा आगे बाजार है, बाजार में जाके थोड़ा क्या खास खास है बाजार में दिखाऊंगा आप लोग को। यही है बाजार थोड़ा आगे। तो दोस्तों ऐसे देखते जाइए, सामरांग बाजार है, हर शनिवार में होता है यहाँ पे आके हमको मालूम हुआ। तो देखते जाइए, पूरा भूटान से भी आते हैं इस मार्केट पे, थोड़ा हम जानना चाहेंगे यहाँ पे आगे, थोड़ा आगे बढ़ के। ऐसा तो बाज़ार में इतना भीड़ नहीं क्योंकि थोड़ा आगे मेला हुआ है, ब्राह्मण ये मेला बोल के कल हमने एक वीडियो बनाया ब्लॉग, इसीलिए यहाँ पे इतना भीड़ नहीं है। तो आगे चलते हैं, मैं तो देखते जाइए, ये भूटान से आई हुई थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ। हेलो भैया, हेलो, कहाँ से आप लोग? भूटान से। भूटान से, तो मेरे ओम मंजी चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत करते, ठीक है? ठीक है। बाजार पे आए ना? हाँ, बाजार में आया। सब एक परिवार एक साथ आए हैं? कितना जन है? दो तीन आदमी है। दो तीन में गाड़ी लेके, कितना दूर है आप लोग को यहाँ? ऊपर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में भूटानीज गांव है ना वहाँ पे? बहुत बड़ा गांव है क्या? ना छोटा है, इधर तो छोटा है, उधर जो उधर ऐसे 20 किलोमीटर उधर में बड़ा है। हम बड़ा है ना, और वो थोड़ा ये सामने मतलब तावन वावन ऐसा नहीं है, बाजार वजार नहीं ना? बस्ती है, बस्ती हम बस्ती है। तो ये आपका सब परिवार है? जी हमारा वो बेटी है, अभी बेटी है, बेटा है। हिंदी बोल सकते हैं वो सब? नहीं, वो थोड़ा नहीं जानता, स्टूडेंट है ना। आप लोग नेपाली या भूटानी से? हम लोग नेपाली है। नेपाली है ना, भूटनीस नेपाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, नेपाली बोल सकते हैं ना ये सब? बोलता है नेपाली। नेपाली नेपाली में बोलो, या मैं आके कैसा लगा बोले? कस्तो लगे रे, कस्तो लगे यहाँ आके? अच्छा लगा बोलो, कस्तो लगे रे? नेपाली नेपाली में भन राम्रो। तो देखिए थोड़ा शर्माती है, ये सब भूटान लोग है, तो ऐसे ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं ये सामरांग मार्केट से थोड़ा नदी साइड में आ गया, शायद इससे शुक्लाई नदी हुआ होगा। तो देखिए थोड़ा बहुत खूबसूरत पहाड़ है इधर, इधर देखो, और उधर साइड में भी देखिए थोड़ा यह का नज़ारा बहुत मज़ा लगता है। देखिए और आगे पूरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऐसे में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो देखो बहुत सुकून मिलता है यह सब देख के, नज़ारा देख के। यही देखो, और ये थोड़ा साइड में घुमा के दिखाना चाहिए, सामरांग बाजार है छोटा सा, हर शनिवार पे होता है यहाँ पे। देखिए बहुत सुंदर दोस्तों, थोड़ा देखिएगा। तो दोस्तों ये सब भूटान का, ये बाजार भूटान बाजार सब, जिन्होंने जो लोग यहाँ पे गाय हो हलवा हो पालने वाला सब ऐसे छोड़ देता है जंगल में, पूरा घंटी लगा देता है देखिए, ताकि कहीं भी जाओ कहीं भी ये जंगल में रहने से ये घंटी आवाज़ आने से ना
पूरा ताकि मालूम हो जाए। तो देखिए शायद मालूम हुआ होगा मैंने जो बोल रहे सुन रही है गाय। देखो हाय, चलो चलो बजा दो एक बार, कल्टिंग कल्टिंग करके बजाओ। हेलो गाय, ऐसे बड़ा बड़ा है थारा हिल्स एरिया का पहाड़ी इलाका का गाय, ऐसे ही थोड़ा आगे पूरा फॉरेस्ट है ये देखो। तो गाइस देखिए बहुत खूबसूरत है, देखो यह का नजारा भी। हम भूटान जा रहे हैं, रास्ता पूरा हम पार हो गया अभी, पूरा गंदा है रास्ता, बहुत खराब है, पूरा धूल है, इधर उधर देखना पड़ेगा, लेकिन सामने में हाथी है तो दिक्कत होगा। तो अभी जरा ध्यान दीजिए, भूटान से गाड़ी आ रहा है पूरा। हेलो गाइस, तो हम आते आते ये पूरा इंडिया भूटान पहुंच गया। अगर भूटान जाना है तो ये आपकी साइड पास लाना होगा। तो आज तो हम इसे जाना चाहता था, लेकिन देखते ही वहाँ जाके पहुँचना चाहते हो। यहाँ पे आके पूरा बाहर से आई हुई पूरा गेट पास लेना चाहते हैं सब। वो बाहर से वैसे घूमने आते हैं हमेशा। तो देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं सब। आगे देखिए यहाँ पे बोटनिस्ट पूरा डिफेंस फौजी लोग है, पोस्ट लोग है, यहाँ पे वोटर आई डी देना पड़ेगा। तो देखिए हाय गाइस, देखिए यही गेट है भूटान इंडिया, यहाँ पे वोटर आई डी देना पड़ेगा, दिखाना सही यहाँ पे। इधर भूटान चला जाता है, भूटान लोग तो दोस्तों आज भी हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन जाने के लिए पूरा तैयार हो कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम आज सामरांग बाज़ार देखने आए थे। तो अगला दिन पूरा फिट जाने के लिए पूरा तैयार हो के आएंगे हम। तो दोस्तों बोला, हमने बातचीत किया भूटान ये गेट में फोन से, तो बोला कि वोटर आई डी जैसे भी देना है, वहाँ जाके और जान लेते हैं कहाँ से आते, थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। फोबई में ना बोबे फिर फिर उदलपुरी, उदलपुरी है ना, अगल सिंह हंगर थोड़ा लाने से मादी मैं थांगला बैसम गजूसम रेडी जाना फिर अच्छा 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 पूरा भी उदालगुरी जाए हुए भोटार आई डी लाया नहीं, इसीलिए जा नहीं पाएगा ये सब। सब जो फैदे ना दे दे। अब लोग कहाँ के, कहाँ से? भूटान। इंडियन नहीं है आप लोग? नेपाल, नेपाली है ना? नेपाली। बाजार करके आया शामरांग बाजार पे? अभी नहीं जाएगा, क्या रुक रहा है? कितना दूर में है? भीतर में बहुत दूर है आप लोग का गांव? 5 किलोमीटर। इसमें इंडिया भूटान बॉर्डर में हो, थोड़ा दिखाना चाहते यहाँ से, जा तो नहीं पाओगे आज भी, पूरा रेडी होके नहीं आया। सिर्फ अब आज हम इसे बॉर्डर में घूमने आए थे। तो दोस्तों हम तो आज नहीं जा पाएंगे भूटान, तो हम जाना पड़ेगा फिर वापस। तो जाने के लिए भी नहीं आया ऐसा तैयार होके, सिर्फ हम यह समरा मार के देखने आई थी। तो आज जाना है थोड़ा वापस, फिर चलते हैं और बाज़ार तक। समरांग बाज़ार अभी कितना समय तक रहेगा दिखाऊंगा आप लोग को, ऐसे देखते जाइए दोस्तों। तो गाइस हम वापस आ गया, आज भी जाने के लिए ऐसे तो तैयार होके नहीं आया, फिर भी ये बॉर्डर तक इंडिया भूटान गेट तक आ गया। इंडिया सड़क हड्डी निकल सकते, इसीलिए ज़रा ध्यान से जाना होगा, रास्ता थोड़ा गंदा है। देखो देखते
अभी हम इंडिया आ गया भूटान पार होके। तो दोस्तों ये आते आते पूरा पूरा मिल गया भूटान से जो भूटानीस लोग है पूरा घूमने आए हैं यहाँ पे समरंग बुद्ध पे घूमने आए ना। तो ये भाई सतो इधर ये सबसे थोड़ा बातचीत करते, क्या नाम है आपका? हंदा बिलिंगो। हाँ संता बिलिंगो। संता बिलिंगो भूटान लैंग्वेज में बोलो। भूटान भूटान लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ये देखो भूटानीस भाषा में बोला है। इंडिया में आके कैसा लगता है? इंडिया में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और तुम, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मेरा नाम समीर लिंबू है। समीर लिंबू। और तुम्हारा नाम? फटाफट बताओ। सब लिंबू है। सब लिंबू है। मिल के अच्छा लगा ना? मिले गया। ठीक है ठीक है। बाय बाय। हाँ हाँ। क्या क्या नाम तुम्हारा? तो ठीक है, मिल गया। और ऐसा हाँ, हम जाएंगे, जा नहीं पाया भूटान क्योंकि हमने ये वोटर आई डी नहीं लाया और जाने के लिए भी टेयर होगी नहीं है ना। से भी बाजार दिख नहीं है, हमारा घर पर पूरा भीतर में है। भीतर में? हाँ, यहाँ से कम 30 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा लगा भाई। सबसे दे दो हाथ में ये मेरा दोस्त बन गया। ठीक है, बोलो एक बार। चलो मेरे सब्सक्राइब मेरे चैनल पे। चलो मेरे दोस्तों में बहुत बहुत शुक्र करता हूँ। फिर ये मेरा पूरा भूटानीस दोस्त है, तो मेरे चैनल को बोलो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना उसके चैनल की, लाइक करना और सब्सक्राइब। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। हाँ बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये सब भूटानीस से बाय बाय। और तुफिया वाला मिलेंगे। एक बार डांस करके जाओ, डांस करके जाओ। बाय बाय। ठीक है जाओ जाओ। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा घूम के ये आ गया। तो थोड़ा ये हम पार कर के आया चामरा। तो यहाँ पे एक थोड़ा उतरना पड़ा, तो उतर के थोड़ा ये बहुत खूबसूरत फूल दिखा रहा। बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ। एक घर जा रही है, तो घूमने जा रही है। तो देखिए बहुत खूबसूरत है। आपका घर कहाँ है भैया? हेलो, घर कहाँ है आपका? आपका आपका घर कहाँ है? तो देखिए घर में भी फूल लगा दिया जाता है। कितना सुंदर घर देखो। बहुत मजा लगता है। तो दोस्तों हमने पूरा भूटान बाजार समरंग बाजार घूम के आया। तो यहाँ पे पामंजोली बोल के एक शॉट है, यहाँ पे थोड़ा था के आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहते। थोड़ा हम चाय पी लेते और डीडी से थोड़ा बच के चलो। थोड़ा हम बैठ के चाय वाय पी लेते हैं दोस्त का साथ। तो ऐसे ही थक गया, इसीलिए यहाँ पे चाय वाय पी के थोड़ा ख़त्म करना चाहते हो। इससे पहले हम चाय बैठते हैं थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए हमने टूट का सा ले लिया। ले लिए बामाजोली पुलिस से बोल के मेरा दोस्त भी ये पी लेते थोड़ा पहले, उसके बाद थोड़ा देर से बातचीत करेंगे। ठीक है। तो गाइस मैंने चाय पी रहा हूँ और मेरे दोस्त भी इधर है, तो भी पी चुका है। लेकिन ये मेरा भैया है, हमेशा यहाँ पे जब बामाजोली शॉप पे आते हैं तब मिलते हैं। तो मैं जो भैया है इसको मैं मेरे ओम मंदिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आपसे तो इस जब हम बामाजोली शॉप में मिलते हैं आते हैं तो चाय वाय पीते हैं, तो आपसे मिलते हैं हम बात करते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आज का ये मेरे सने ओम मंदिर सने पे क्या कहना चाहते हैं ये बामाजोली के शॉप के बारे में थोड़ा एक दो शब्दों में बोलते हैं? बामाजोली आसाम नहीं बल्कि आसाम ही नहीं हिंदुस्तान की पूरी नॉर्थ की बॉर्डर पे है। यहाँ से 1 किलोमीटर गया तो भूटान आ गया।
दूसरी टेरिटरी आ गया। तो पहले तो ये बहुत बैकवर्ड थे, देहाती एरिया था, लेकिन आप गाड़ी की आप जमाना तरक्की कर रहा है, तो आप बहुत आगे डेवलप हो गया, बहुत आगे गया। अभी गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ज़माना तो गाड़ी और पानी का बहुत प्रॉब्लम था, आज तो वो नहीं है, काफ़ी तरक्की है अभी। बस और इतना ही बोलना है मेरे को, और कुछ नहीं है अभी। तो दोस्तों ये भैया है, तो ऐसे ही हम मिलते हैं हमेशा, जब आते हैं मिलते हैं। तो बामूदेली कैसा रहा, कैसा नाम यहाँ रहा, तो बामूदेली पहले कैसा था, आज का कैसा बदल गया, सब बदल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तो ऐसे फिर मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, तो आज का मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मैं कृपया करता हूँ, कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल किया। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।